अगर आपने अभी तक एडिशंस में जो कि सबमिट आपने टैक्स फॉर्म नहीं किया है तो किस तरीके से आपको सबमिट टैक्स फॉर्म करना है। जैसे कि अगर आपको भी कुछ इस तरीके से नोटिफिकेशन देखने को मिल रहा है तो इसे आपको किस तरीके से टैक्स फॉर्म के लिए भरना है। अगर आप नहीं भरते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान होगा, आपको 30% तक यहाँ पर आपको टैक्स भरना होगा, ठीक है। तो अगर आप भर देते हैं तो आपको यहाँ पर 15% तक टैक्स भरना होगा, ठीक है। अब इसमें किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप जो कि फॉर्म सबमिट करना है वो चलिए मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप एक इंडिया के निवासी हैं तो बहुत ही आराम से इस वीडियो को देखकर भर सकते हैं। इसी के साथ में अगर आप किसी दूसरे की वीडियो देख रहे हैं लगभग 2 साल पहले की, ठीक है, तो वहाँ पर जो कि इसके अंदर कुछ बदलाव किए गए हैं, अगर आप मेरी बात को अगर गलत मानते हो तो आप पहले की वीडियो देख लेना और अब की वीडियो देख लेना, ठीक है। जो कि मेरी ये वीडियो बिल्कुल अब की है और पहले की वीडियो आप देखना, पुरानी जिसने भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो वीडियो गलत है, ठीक है, पर वो उस समय की वीडियो है, ठीक है। तो पर अब यहाँ पर जो कि टैक्स फॉर्म को लेकर यहाँ पर कुछ बदलाव कर दिए गए हैं, तो अब आपको 2024 में किस तरीके से जो कि सबमिट टैक्स फॉर्म करना है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए सीख लेते हैं और अपना हम टैक्स फॉर्म सबमिट कर देते हैं गूगल एडिशंस में। तो सबसे पहले अपने मोबाइल में या लैपटॉप में अपनी गूगल एडिशंस को ओपन कर लेना है, अपनी ईमेल आईडी से ओपन कर लेना है, जो ईमेल आईडी से आपका यूट्यूब चैनल है, ठीक है। तो मुझे यहाँ पर गो टू पेमेंट का ऑप्शन दिख रहा था, मैंने इस पर सिंपली क्लिक कर दिया और आप यहां पर पेमेंट इन्फो पर सिंपली क्लिक करके भी यहां आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं चलिए इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूं। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से यहां पर दिखाई देगा सबमिट ए टैक्स फॉर्म, ठीक है। तो चलिए ऐड टैक्स इन्फो, इस पर हम सिंपली क्लिक करेंगे, ऊपर स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर हमें मिल जाएगा स्टार्ट फॉर्म, ठीक है। ये 10 से 15-20 मिनट का फॉर्म है, तो आपको यहाँ पर सबमिट कर देना है। अब आपको अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड डालना है, तो चलिए मैं अपनी ईमेल आईडी का पासवर्ड यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इतना करने के बाद आपके सामने फिर कुछ इस तरीके से पेज आ जाएगा। अगर आपका एक बिजनेस अकाउंट है, जैसे कि बिजनेस अगर आपकी कोई कंपनी वगैरह है, तो आप यहाँ पर नॉन इंडिविजुअल पर सिंपली क्लिक करेंगे। अगर आपका यूट्यूब चैनल है या फिर वेबसाइट है तो आप इंडिविजुअल पर भी सिंपली क्लिक करेंगे। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि यूनियन स्टेट, अगर आप हैं जैसे कि दूसरे देश से तो आप यहां पर यस पे क्लिक करेंगे, वरना आप नो पर सिंपली क्लिक कर देंगे। और उसके बाद में आपको नेक्स्ट पर यहां पर सिंपली क्लिक कर देना है। तो चलिए मैं यहां पर, मैंने यहां पर नो पर सिंपली क्लिक कर दिया है, जैसे कि मैं इंडिया से हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में हम नीचे से ऊपर की तरफ, सॉरी ऊपर से हम नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे। अब आपके सामने कुछ आ जाएगा यहाँ पर, जैसे कि BBEN, ठीक है, इस पर आपको टिक कर देना है। अब एक्चुअली में होता क्या है, ये एक पैन कार्ड से रिलेटेड है, जैसे कि टैक्स से रिलेटेड, ठीक है। इसके बारे में आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं, मैंने इसे सर्च कर लिया है। अगर आपका पैन कार्ड है और इंडिविजुअल है, ठीक है, तो आपको ऊपर वाला ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप बिजनेस करते हैं तो आपको यहाँ पर ये दूसरा वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो चलिए मैं ऊपर वाले ऑप्शन को ही सिलेक्ट कर देता हूँ और स्टार्ट, ठीक है, इस पर हम कर देते हैं क्लिक, जैसे कि WBBEN पर, ठीक है। उसके बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आ जाएगा, जैसे कि टैक्स आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर कंट्री सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में आपको ऊपर इनमें कुछ भी करना नहीं है और आपको यहाँ पर TIN यानी कि टिन यानी कि टैक्स से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पर एक अपना पैन कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पर सिंपली एंटर कर देता हूँ। एंटर करने के बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना पैन कार्ड का नंबर मैं यहाँ पर एंटर कर देता हूँ और नेक्स्ट पर हम सिंपली क्लिक कर देते हैं। क्लिक करने के बाद में हमारे सामने कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे कि यहाँ पर आपको जो आपने गूगल एडिशंस के लिए पिन के लिए अप्लाई किया था जो एड्रेस, ठीक है, वो ही सेम आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। मैंने यहाँ पर डाल दिया है। अगर आपका सेम एड्रेस है परमानेंटली तो आपको इस पर टिक कर देना है, नहीं है तो आपको उसमें यानी कि डिटेल भर देना है, ठीक है, जो आपका दूसरा एड्रेस है और सेम है तो आपको टिक कर देना है। नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इतना काम कर देते हैं तो आपके सामने यहाँ पर कुछ सेकंड में यहाँ पर वेट कर लेता हूँ, यहाँ पर लोड हो रहा है।
उसके बाद में आपके सामने इंडिया एंड द यूएसए। तो एक्चुअली में यहाँ पर करना क्या होगा, आपको यस पर सिंपली क्लिक करना होगा। कहने का मतलब एक क्लेम हो रहा है, ठीक है, यानी कि यूएसए और इंडिया के बीच जो भी इनकम्स होगी उसके लिए कर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर एक कंट्री सिलेक्ट करना है जिस भी देश में आप रहते हैं। जैसे कि मैं इंडिया में रहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सिंपल सी बात है, मैं यहाँ पर इंडिया सिलेक्ट करूँगा। तो चलिए मैं यहाँ पर इंडिया देख लेता हूँ, ये आ गई है, तो मैं इस पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद में आ जाता है सर्विसेज, ठीक है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, जो कि एडिशंस वाला सर्विसेज का ऑप्शन है, इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, इसे आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ पर रेट, ठीक है, तो आपको यहाँ पर जीरो सिलेक्ट करना है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर जीरो सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में इस आइकन पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, और आपको यहाँ पर पिक्चर्स एंड टीवी, तो इस पर भी आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको इसे सिलेक्ट करना है, रेट आपको 15% यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में हम नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे, यहाँ टिक कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे कि कॉपीराइट सामग्री होती है, तो उसे भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है, और आपको यहाँ पर कितना 15%, ठीक है। कुछ सामग्री ऐसी होती हैं जो कि हम कॉपीराइट यूज कर लेते हैं, तो उसके लिए है ये। और उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक कर देना है, ठीक है। आपका यहाँ पर नेम भी आता होगा, जैसे कि यहाँ पर आ रहा है आरती देवी, ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट पर सिंपली क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरीके से आएगा, यहाँ पर आपको नो पर सिंपली क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पर आपको टिक कर देना है, नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। क्योंकि मैं आपको समझाता रहूँगा तो इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, तो यहाँ पर आपको एग्री कर देना है। आप चाहें तो इस टर्म कंडीशंस को यहाँ पर पढ़ भी सकते हैं, ये एक एग्रीमेंट है, ठीक है, डिलीवरी को लेकर, यानी कि जो पेपर वर्क होता है उसको लेकर, ठीक है। उसके बाद में आपको यहाँ पर टिक करना है, और नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इतना कर देते हैं, तो आपके सामने कुछ इस तरीके से यहाँ पर आएगा, तो आपको टैक्स फॉर्म, ठीक है, इसे आपको यहाँ पर टिक कर लेना है। आप चाहें तो इसे पढ़ भी सकते हैं, तो मैं इसे सिंपली टिक कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि मैं जो आपको बता रहा हूँ ये 9 मिनट की लगभग यहाँ पर वीडियो हो जाएगी, और वैसे तो कम से कम ये आधे घंटे की होगी अगर मैं आपको समझाता रहूँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर इस सिंपली योर सिग्नेचर यस, और उसके बाद में सबमिट, जो कि आपका नीचे नेम आ रहा था, तो वही आपके सिग्नेचर बन जाएंगे यहाँ पर। और इस तरीके से देख सकते हैं योर टैक्स इन्फो हैव बिन एक्सेप्ट, ठीक है, तो आपकी यहाँ पर भर जाएगी, इस तरीके से एक्सेप्ट भी हो जाएगी। तो ये एक सही तरीका है कि आप यहाँ पर जो कि टैक्स फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर होम पर सिंपली क्लिक कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आ रहा था वो हट चुका है। पेमेंट इन्फो पर मैं सिंपली क्लिक करता हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे कि योर टैक्स इन्फो यूनियन स्टेट हैव बिन एक्सेप्ट, ठीक है। और आप यहाँ पर व्यू टैक्स इन्फो पर आप सिंपली क्लिक करेंगे, आपके सामने फॉर्म आ जाएगा भरा हुआ, ठीक है, जो कि आप देख पा रहे हैं। उसके बाद में आप यहां से सिंपली पेमेंट या फिर ईमेल पर भी जाके देख सकते हैं, जैसे कि ईमेल पर भी आपके मेल चला गया होगा, ठीक है, जैसे कि मैं यहां पर मेल अपना ओपन कर रहा हूं। आप यहां पर देख सकते हैं योर टैक्स इन्फॉर्मेशन हैव बीन अप्रूव्ड, ठीक है। तो इस तरीके से आपका पूरा अच्छी तरीके से टैक्स फॉर्म भर चुका है, अब आपको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ये एक जेन्युइन और सही तरीका है, ठीक है। और आप यहाँ पर व्यू टैक्स इन्फो पर सिंपली क्लिक करेंगे, तब भी आपको उसी पेज पर पहुँचा देगा जो आपने फॉर्म भरा है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब करें, और आपके मन में फिर भी किसी प्रकार का कोई भी सवाल है या कोई भी कन्फ्यूजन है तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।